हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आप लोगों को मैथ के टॉपिक में भिन्नों का लघुत्तम महत्व बताने वाला हूँ। तो भिन्नों का लघुत्तम महत्व बताने से पहले मैं बताऊँ आगे आपको अंश और हर के बारे में। यदि कोई भी प्रश्न भिन्न में रहे तो उसमें आगे आपको अंश और हर जानना जरूरी है। तो इसमें भिन्न में ये क्वेश्चन है, इसका अंश ऊपर वाला कद है, नीचे वाला हर कद है। ऊपर वाला अंश यानी न्यूमरेटर, नीचे वाला हर यानी न्यूमरेटर। इसके बाद अब मैं आपको इसमें क्वेश्चन बता कर बताता हूँ। अब ये जैसे क्वेश्चन थे इसको हम आगे भिन्नों का लघुत्तम बनाएंगे, ठीक। तो इसका आपको फॉर्मूला होता है भिन्नों का लघुत्तम बराबर अंशों का लघुत्तम बटा हरों का महत्तम। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। यहाँ पे आ गए अंशों का लघुत्तम, तो ऊपर में अंश है तो यहाँ अंशों का लघुत्तम पर है। ऊपर वाला अंश है तो ऊपर वाला एलसीएम निकाल के, ऊपर वाला का एलसीएम निकल के आएगा 1040। ये इसका एलसीएम यानी अंशों का लघुत्तम। नीचे हरों का महत्तम यानी नीचे हर है तो इसका महत्तम निकालेंगे, इसका महत्तम आएगा 2। ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। 2 × 10 = 0 यानी इसका आंसर आएगा 520। तो ये इसका आंसर है यानी इसका अंशों का लघुत्तम आएगा आंसर 520। अब इसके बाद मतलब अंशों का भिन्नों का महत्तम, तो क्वेश्चन है 18 × 16, 16 × 20, 20 × 28। यह इसका क्वेश्चन। इसमें भी ऊपर वाला अंश रहता है, नीचे वाला हर रहता है। हर तो इसका भी एक फॉर्मूला है भिन्नों का, महत्तम बराबर अंशों का महत्तम बटा हरों का लघुत्तम। तो ये इसका फॉर्मूला भिन्नों का महत्तम बराबर अंशों का महत्तम बटा हरों का लघुत्तम। अब इसके बाद क्या करेंगे, बराबर करके मैच कीजिए। अब यहाँ अंशों का महत्तम यानी ऊपर वाला अंश है, ऊपर वाला महत्तम निकालेंगे यानी एलसीएम। ऊपर वाला महत्तम निकल जाएगा 2। अब नीचे हरों का लघुत्तम यानी नीचे वाला हर, तो इसका लघुत्तम, इसका लघुत्तम निकालेंगे तो आएगा 560। अब इसको भी काट देंगे, 2 × 2 2 × 4 2 × 16 0 इसका आंसर आएगा 1 × 280 आंसर। ये है भिन्नों का लघुत्तम महत्तम। थैंक्स।